हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और अभी मैं हूँ किचन में और अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए गरम पानी। दिखा देती हूँ आपको, मैं इसमें मैं डालूंगी, एक्चुअली हो ही गया, ये बंद कर देती हूँ पहले। इसमें मैं डालूंगी नींबू और शहद, जो मैं सुबह पीती हूँ, और गत्सा भी पीते हैं बच्चों के लिए, दूध बनाती हूँ सुबह सुबह। चाय अभी हम नहीं पी रहे हैं, बंद की हुई है चाय हमने, ज़्यादा चाय नुकसान करती है इसीलिए, तो थोड़े टाइम के लिए बंद है। तो चलो ठीक है, फिर पीते हैं गर्म पानी। कितना ज्यादा गर्म पानी है ये, थोड़ा तेज ही गर्म लेती हूँ मैं। हमने मिक्स कर दिया, अब इसमें हम डालेंगे नींबू। मैंने अपना ऐड कर दिया इसमें नींबू, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर पीएंगे। तो ये मैं पी रही हूँ अपना लेमन एंड हनी वाटर, वार्म वाटर, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। ठंड लगती है ना, तो एकदम से गरम गरम सा लगता है। तो मैं इसे जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ चीला। यस, वो भी मूंग की दाल के चीले। तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मुझे दाल भिगोनी होगी, तो मैं जल्दी से भिगो दूँ। ये आप देख सकते हो, ये मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी है। इसको हम यूज करेंगे मूंग की दाल का चीला बनाने के लिए, तो जब तक इसको रखे रहने देते हैं, ठीक है। तो सब लोग सो रहे हैं और मैं अपना फिनिश कर रही हूँ। उन लोगों के लिए भी मैंने कुछ नहीं बनाया, जब उठेंगे जब बनाऊंगी। तो तब तक अपना काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो चलो फिर खत्म करते हैं फटाफट से काम और नहा लेते हैं। ओके, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ नाश्ता बनाने की। तो ये मैं यहाँ पर मैंने मटर रखी हुई है उबलने के लिए, और ये मैंने स्टफिंग भी तैयार कर ली है, वो दिखाऊंगी मैं आपको अभी। तो सबसे पहले मैं दाल को पीस, ये आप देख सकते हो दाल है, अब ये काफी हो चुकी है, देखो अपना छिलका भी इसका निकलने लग गया है। तो मैं सबसे पहले इसको वॉश करके इसका सारा छिलका निकाल के फिर इसको मैं पीस लूंगी, ठीक है। चलो फिर करते हैं। हम ये जार ले रहे हैं और इसमें हम अपनी दाल डालेंगे, जिसके हमने थोड़े थोड़े छिलके निकाल लिए हैं, और हम इसको अब ग्राइंड कर लेंगे अच्छे, ठीक है। इसमें मैंने टेस्ट के लिए ऐड किया है थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक। ऑन करेंगे और उसके बाद करेंगे उस पे तवा। इसमें मैंने डाला है ऑयल और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम इसको पानी डालेंगे उसके बाद हम इसमें, ताकि फिर ये चिपके ना, ये भी हम साफ़ कर देंगे बाद में। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें ऑयल यूज़ होगा, इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं होता। यहाँ पर आप कटी हुई प्याज या फिर कटा हुआ आलू लेकर इसको स्प्रेड करने में यूज़ कर सकते हो, इससे हमारा चीला चिपकेगा नहीं।
अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी ये फंस गया सी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस आपको हमारे हाथ के चीले कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे आने वाली रेसिपीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है मिलते हैं कल। ओके बाय। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल।